हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कैंपिंग करने बालसम लेक। बालसम लेक के लिए हमारे घर से 2.5 आवर का ड्राइव है। रास्ता बहुत ही सीनिक है। हम एंजॉय करते हुए बालसम लेक जा रहे हैं। अभी जस्ट रीच द बालसम लेक नाउ। एंटर करते ही मिलेगा उनका ऑफिस। वहाँ आपको आपका रिजर्वेशन दिखाना है और वो देंगे पार्किंग परमिट। उसको आपको कार में रखना है। कैंप फायर के लिए यहीं से वुड लेना पड़ेगा। बाहर से लेके आना इट्स नॉट अलाउड। अब हम निकले कैंपिंग साइट ढूंढते हुए। हमारा कैंपिंग साइट का नंबर है 737। और ये है हमारा कैंपिंग साइट। इसमें देते हैं एक पिकनिक टेबल और फायर पिट। हमारे कैंपिंग साइट के पास ही वाटर टैप है, तो पानी हम इजीली यहाँ से लेके जा सकते हैं हाथ धोने के लिए, थोड़े डिशेस वगैरह वॉश करने के लिए। अब हम शुरू करेंगे हमारे कैंपिंग साइट में सारा सामान रखना, टेंट वगैरह सेटअप करना। पहले हम टेंट असेंबल करेंगे। टेंट असेंबल करना बहुत ही इजी है। टेंट के बॉक्स में क्लियरली सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। टेंट के चारों तरफ को हमने पेग से सिक्योर कर लिया है, तो हवा आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बेडिंग तैयार कर रहे हैं। एयर बेड और एयर पिलोज को हम एयर पंप से इन्फ्लेट कर रहे हैं। एयर पंप को गाड़ी को कनेक्ट करके उसे इन्फ्लेट कर रहे हैं, सो इट विल बी वेरी इजी एंड फास्ट। रात को बहुत ठंडा रहता है यहाँ, इसलिए हम एयर बेड के ऊपर स्लीपिंग बैग्स डाल रहे हैं। शाम का वक्त है, ठंडी भी लगेगी और मच्छर भी आएंगे, इसलिए हम कैंप फायर तैयार कर रहे हैं। कैंपिंग में मार्शमेलोज इज द मस्ट। बच्चे यहाँ कैंप फायर में मार्शमेलोज रोस्ट करके खा रहे हैं। हमने एक मैजिक फायर पाउडर लिया है। इस पाउडर कैंप फायर में डालने से फायर का कलर चेंज होता है। आप यहाँ देख सकते हो, इट्स रियली गुड। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अभी रात के खाने की तैयारी हो रही है। कॉर्न रोस्ट कर रहे हैं। बर्गर भी हमारा तैयार है। रात को थोड़ा यहाँ बारिश हो गई, तो इसलिए जल्दी खाना खा के हम टेंट के अंदर आ गए हैं। अभी सुबह देखा तो वेदर बहुत अच्छा है। हम लोग अभी बना रहे हैं जिंजर वाली चाय। ब्रेकफास्ट हमने सिंपल रखा है। पैनकेक पाउडर लेके आई हूँ मैं, एंड जस्ट पानी डालना है उसमें, एंड देन पैनकेक बैटर इज रेडी। पैनकेक विद मेपल सिरप इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हमारे कैंपिंग साइट के पास ही कंफर्ट स्टेशन है। कंफर्ट स्टेशन इज़ वेरी क्लीन। आप यहाँ नहा सकते हो, कपड़े भी वॉश कर सकते हो। यहाँ वॉशर ड्रायर भी है, पोर्टेबल वॉशरूम्स भी है यहाँ। यहाँ एक एम्फी थिएटर है। यहाँ समर में म्यूजिक फेस्टिवल या कॉन्सर्ट ऐसा होते रहते हैं। अब हम निकले ट्रेल वॉक के लिए। इस ट्रेल का नाम है लुकआउट ट्रेल। ये पूरा ट्रेल ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स है। बहुत ही सुंदर ट्रेल है। यहाँ के ट्री की खासियत यह है कि नीचे सारा ड्राई है और ऊपर सारे ग्रीन लीव्स हैं। वी हैव रीच्ड द लुकआउट ट्रेल हेड नाउ। यहाँ से आप सब नीचे देख सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ। इट्स वेरी सीनिक हियर। पूरे इस ट्रेल को कवर करके हम लोग अभी थक गए हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे कैंप साइट। आफ्टरनून लंच के लिए हम कर रहे हैं मिक्स्ड वेज पराठा। इट इज अ फ्रोजन पराठा, जस्ट आपको फ्राई करना है। इसको हम खा रहे हैं ग्रीन चटनी के साथ। खाना खाने के बाद हम निकले बीच। ये देखिए, यहाँ छोटा सा पार्क है, उसके बाद है बीच। बीच
बीच बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ का पानी भी बहुत क्लीन है और डीप भी नहीं है यहाँ। वेदर थोड़ा सा ठंडा है इसलिए हम ज़्यादा पानी में खेल नहीं रहे हैं, स्विम नहीं कर रहे हैं। बच्चे यहाँ सैंड कैसल बनाने में बिजी हैं। आरना यहाँ पानी लेके आ रही है सैंड कैसल के लिए, क्योंकि इनका सैंड कैसल आइलैंड में है। रात को खाने के लिए हम बना रहे हैं अभी मैगी। कैंपिंग में हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सिंपल ही रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा कुकिंग ना करना पड़े। Our Maggie is ready now। रात के थोड़े डिशेस वॉश करने के लिए हम पानी भर के लेके जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो इतना ब्राइट है, लेकिन टाइम देखिए, इट्स 8:55 एट नाइट। समर में ऐसा ही होता है, सनसेट बहुत देर से होता है यहाँ। This is two marshmallows burned. My sister did it. And I'm gonna eat it. I feel like I'm gonna eat it. रात को खाना खाने के बाद सब कुछ क्लीन करके फूड आइटम्स सब अंदर रखे हम सोने जा रहे हैं। फूड आइटम्स बाहर रखना सेफ नहीं है, एनिमल्स आके इसको खा सकते हैं। सुबह हम ब्रेकफास्ट होने के बाद सारा क्लीन अप कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे के अंदर हमें यहाँ से चेकआउट करना है। यहाँ सब क्लीन अप करके जो भी ट्रैश है, गार्बेज है, वो डंपिंग एरिया में डालना है। ये डंपिंग एरिया है, जो भी आपके पास गार्बेज है, रिसाइकलिंग है या खाली सिलेंडर है, लेबल देख के आपको यहाँ डालना है। आपको ये मेरा कैंपिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube फैमिली के लिए ये हमारा छोटा सा क्लिप था।